नमस्कार व्यूअर्स, तो हेलो एरिन्स की अगली सीरीज़ लेकर आ गए हम, और ये टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के है। हेलो एरिन्स में जो रासायनिक गुण अगर देखा जाए तो उन्हें हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं अलग अलग। एक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, मतलब जहाँ पर हम जो हेलो एरिन्स में एक्स लगा हुआ है उसका हम प्रतिस्थापन किसी दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा करा देंगे तो वो हो जाएंगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। दूसरी कैटेगरी में आएगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब प्लस वाले, यहाँ माइनस वाले, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हैं वो नाभिक नहीं होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है, दे आर द न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इनका प्रतिस्थापन, और कुछ मिसलेनियस टाइप के रिएक्शन हम देखेंगे। क्लियर, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि रासायनिक गुण में क्या क्या है इसका। तो सबसे पहले देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये बेंजीन और इसमें लगा हुआ है एक्स, नाभिक स्नेही यही होगा, यही एक्स, ठीक है। अब इसके प्रतिस्थापन की हम बात करें, मतलब इसको हटाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसकी रिएक्टिविटी के लिए। अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस एक्स के पास तीन लोन पेयर होता है और ये कार्बन sp2 होता है, और आपको पता है कि यहाँ पर प्लस m इफेक्ट होता है, या इसको हम प्लस r भी कहते हैं, प्लस m कहिए चाहे प्लस r कहिए, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसके अंदर दैशिक प्रभाव हम दिखा रहे थे क्लोरोबेंजीन का। तो अगर आप देखें प्लस m या प्लस r इफेक्ट होता है, तो ये वाला जो लोन पेयर वो इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन और एक्स के बीच में डबल बॉन्ड अगर बन, नॉट प्योर डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण। तो अगर ऐसा डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसके टूटने की जो संभावना है एज अ एक्स माइनस, वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको आर एक्स के कंपेरिजन में, आर एक्स से कंपेयर करें अगर, तो आर एक्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, आर एक्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और ए आर एक्स की रिएक्टिविटी कम होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कराएं तो यहाँ पर प्रतिस्थापन बड़ी आसानी से हो जाता है, यहाँ बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में बना रहता है, लेकिन यहाँ पर जो ये आर कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड है वो इतनी आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होता है। तो अगर हम कुछ विशेष परिस्थितियाँ बनाएँ तब जाकर के रिएक्शंस होती हैं, या तब जाकर के यहाँ से एक्स अटता है। तो रिएक्टिविटी याद रखेंगे कि आर एक्स एल्किल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन ए आर एक्स एरिल हैलाइड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीजन बिहाइंड इट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो रीज़न है sp2 और sp3 का, ये कई जगहों पर अप्लीकेबल है। अभी हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, स्टेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर भी आ गया था, है ना। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो रिएक्टिविटी है इसकी ज़्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी कम, ठीक। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं एरिल हैलाइड की, तो इसमें कौन कौन से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो सकते हैं, एक एक करके देखो। हम प्रतिस्थापन करा रहे हैं बॉन्ड OH के द्वारा, बॉन्ड OH द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब जो X है उसका प्रतिस्थापन हम कर रहे हैं बॉन्ड OH के द्वारा। अच्छा, जनरल हमारे पास एल्किल हैलाइड है, उसको अगर हम X को हटा करके OH लगाना चाहते हैं, एल्कोहल बनाना चाहते हैं RX से, तो सिंपल आपको पता है कि इसको अगर हम जलीय NaOH या KOH, एक्वस NaOH या KOH सॉल्यूशन करा दें तो बड़ी आसानी से ROH प्लस NaX बन जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? रीज़न बता चुके हैं आपको कि ये sp2 संकरित है और कार्बन और इस एक्स के बीच में अनुनादी संरचना बनती है, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए इसकी सक्रियता घट जाती है। अब यहाँ देखो कौन सी परिस्थितियाँ लगाई जा रही हैं, ये हम ले ले रहे हैं फिनॉल क्लोरोबेंजीन, सॉरी ये हम ले ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्लोरोबेंजीन, और इसको जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब देख रहे हैं कंडीशन और ज़्यादा हम विशेष कर रहे हैं, या कह सकते हैं ड्रेस्टिक सिचुएशंस कर रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहे हैं और लगभग 200 ATM का प्रेशर दे रहे हैं, और ये जो एक्वस NaOH है वो अपने OH को Cl के द्वारा प्रतिस्थापित करा देगा। ये तो यहाँ हो गया OH और ये हो गया NaCl, ठीक। तो दिस इज़ फिनॉल, ये कंपाउंड क्या है, फिनॉल।
एक्चुअली ये फिनॉल बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में आता है, इसे हम डाउ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाउ प्रोसेस। डाउ इज द नेम, डाउ, डाउ प्रक्रम, ठीक है। डाउ प्रोसेस टू प्रिपेयर फिनॉल। तो ये रिएक्शन है जिसमें क्लोरोबेंजीन को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फिनॉल। दूसरा हिस्सा इसका देखो, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से Cl- हटा है और यहाँ OH- आ गया है। ध्यान रखेंगे Cl- OH- Cl- हटा है और OH- आ गया है, तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। दूसरा हिस्सा देखो, बॉन्ड NH2 द्वारा हम प्रतिस्थापन करा रहे हैं, बॉन्ड NH2 द्वारा प्रतिस्थापन करा रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड NH2 द्वारा प्रतिस्थापन कराने के लिए क्या कर रहे हैं? आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस ऑक्साइड ले लीजिए, Cu2O, अमोनिया गैस, ठीक। इसका रिएक्शन 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रखिए, और तब जो NH, ये जो अमोनिया है इसमें से H+NH2- ये निकलता है और ये NH2- जो है Cl- को प्रतिस्थापित करता है और यहाँ से मिल जाएगा आपको NH2। और जो Cl- है वो HCl के साथ तो रिएक्शन करता ही है लेकिन साथ में इसके साथ बना लेता है क्यूप्रस क्लोराइड, तो बन जाएगा Cu2Cl2 या CuCl लिख सकते हैं आप, और ये हो गया वाटर। तो ये बन गया बेंजेनामीन, बेंजेनामीन या इसका नाम दे रहे एनिलीन, ठीक। हम एक कंडीशन हम इसमें और बता देते हैं कि इस क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एक तरीका और है, ये है क्लोरोबेंजीन, ले लीजिए आप सोडामाइड, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडामाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो द्रव अमोनिया की उपस्थिति में प्रबल क्षार हो जाता है। द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडामाइड जो है वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, तो Na+NH2-, दिस इज सोडामाइड, इसका नाम है बेटा सोडामाइड, ठीक है। NH2-Cl- के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और बनाएगा क्या, ये बेंजीन पर Cl हट करके लग गया NH2 और ये हो गया NaCl, दिस इज आल्सो एनिलीन, क्लियर। ये जो रिएक्शन है, अगर आप इसमें प्रोसीडिंग देखें कि प्रोसीड कैसे हुआ होगा, तो मध्यवर्ती यौगिक के रूप में यहाँ एक कंपाउंड बनता है। अब याद रखिए मैकेनिज्म यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं आपसे, एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं बेंजाइन। इस रिएक्शन के दौरान जो एक मध्यवर्ती यौगिक, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है बेंजाइन, क्लियर। बेंजाइन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वाई यानी है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बेंजाइन। फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा कार्बन 6। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन गायब हो चुका, यहाँ भी हाइड्रोजन गायब हो चुका, तो 1, 2, 3, 4 ये है, दिस इज द बेंजाइन C6H4। यहाँ भी हाइड्रोजन गायब हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन गायब हो गया बेटा, तो ये हो गया C6H4, क्लियर। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के दौरान बनता है। अब इसका एक अगला पार्ट देखो, अब अगला बॉन्ड CN के द्वारा साइनाइड ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन करा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्यूप्रस साइनाइड के साथ, ठीक। अप्रॉक्स 50 ATM प्रेशर है, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और मीडियम क्षारीय है पिरिडीन C5H5N, दिस इज पिरिडीन, मीडियम क्षारीय है। होता क्या है, क्यूप्रस साइनाइड से बन जाता है बेंजोनाइट्राइल और ये हो जाएगा CuCl, दिस इज फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड कॉमन नेम हो गया, IPAC नेम में नाम रखेंगे इसका बेंजोनाइट्राइल, CN है ना, बेंजो बताया था हमने आपको, तो बेंजो, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है,
और यहाँ पर CN लगा है तो हो गया बेंजो नाइट्राइल या फेनिल साइनाइड भी कहते हैं, बेंजो नाइट्राइल या फेनिल साइनाइड। तो ये रिएक्शंस हैं, हम अभी नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अब क्रियाओं के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें हमने बॉन्ड OH के द्वारा प्रतिस्थापन कराया जिसको डाउ प्रोसेस बोल रहे थे, दूसरा हमने बॉन्ड NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराया है और तीसरा है बॉन्ड साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन कराया है। ठीक है, ये स्पेशली आप कह सकते हैं कि नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अब क्रियाएँ हैं क्लोरोबेंजीन के लिए। अगर इसमें एक कंडीशन है कि जो नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से होती नहीं है, क्यों नहीं होती, प्लस आर और यू कैन से प्लस एम इफेक्ट के कारण। ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं आपसे, अगर मान लीजिए ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन पर ये है क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे, मोस्टली पैरा पोजीशन पे, ये 1 2 3 4 चौथा पोजीशन होगा, पैरा पोजीशन जो इसके रेस्पेक्टिव एंटी होगा ना, ये पैरा पोजीशन। तो जो पैरा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ जाए, या कह सकते हैं आप ऐसा कोई ग्रुप आ जाए जो माइनस एम इफेक्ट शो करता हो या माइनस आर इफेक्ट शो करता हो बेंजीन के लिए, माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन कार्बन केंद्र की ओर आएगा। तो अगर मान लो इसकी पैरा पोजीशन पे यहाँ जैसे NO2 लग जाए, ये बढ़िया इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, बढ़िया इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, या कह सकते हैं ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस एम या वी कैन से माइनस आर इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ठीक बेटा, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये Cl का प्रतिस्थापन है वो थोड़ा आसान हो जाता है इस दशा में, या कह सकते हैं पैरा स्थान पर नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति के कारण Cl का नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, अब देखो कैसे, हम एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है, अगर इसका आप NaOH के द्वारा प्रतिस्थापन कराएं, तो वहाँ आपने देखा था अभी डाउ प्रोसेस में कि 200 ATM दाब लेना पड़ रहा है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लेना पड़ रहा है, ठीक है, तब जाके रिएक्शन हो रही है। यहाँ क्या है, यहाँ अप्रॉक्स 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब आप कह सकते हैं कम हो गया, सीधे हाफ हो गया, 300 टू सीधे 160 या 150 के आसपास। तो अब 160 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको टेम्परेचर देना और बड़ी आसानी से Cl का प्रतिस्थापन OH के द्वारा हो जाएगा। तो ये हो गया OH और ये हो गया NO2, दिस इज आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये फिनॉल हो गया ना, इतना फिनॉल हो गया बेंजीन पर OH, तो 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो पैरा नाइट्रो कहिए चाहे 4 नाइट्रोफिनॉल कहिए। ठीक, अगर मान लीजिए ये क्लोरीन ये लगा हुआ है, NO2 ग्रुप के नंबर्स थोड़े ज़्यादा लगे हैं और हमने लगा रखा है आर्थो और पैरा पर, आर्थो पोजीशन ये पैरा पर, तो अगर हम रिएक्शन कराएं तो आपको छार भी नहीं लेना है, पानी से ही बड़ी आसानी से जलक बटन हो जाएगा, हाँ बड़ी आसानी जलक बटन हो जाएगा, हल्का सा गर्म कर दीजिए और आप देखेंगे जो Cl है उसकी जगह पर बड़ी आसानी से OH आ जाएगा। तो ये हो गया NO2, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड, क्या है बेटा ये पिक्रिक एसिड, ठीक, इसका नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो 1 क्लोरो क्लोरोबेंजीन ऐसे कह सकते हैं, तो 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, तो केवल और केवल, तो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस के बिहाफ पे देखें तो बड़ी आसानी से रिएक्शन हो जा रहा है, अगर कोई Cl के साथ साथ कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो मतलब माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लग जाए, तो Cl माइनस के रिप्लेसमेंट की या सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती है, रिएक्शन आसानी से हो जाता है। ठीक है, कुछ और रिएक्शन देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ही, एल्कोक्साइड बॉन्ड या एल्कोक्सी OR मेथॉक्सी एथॉक्सी इस तरह से, तो अगर आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन
और इसको रिएक्शन करा दीजिए सोडियम मेथॉक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पर ओ एन ए प्लस ओ सी एस थ्री माइनस सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बन जाएगा ये ओ सी एस थ्री। ये क्या है, दिस इज मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, और ये है बेटा एन ए सी एल। ये है क्या वास्तव में, दिस इज एनी सॉल, इसका नाम क्या है, एनी सोल, ठीक। मेथॉक्सी बेंजीन या मेथिल फिनाइल ईथर, है ना, मेथिल फिनाइल ईथर कॉमन नेम, मेथिल फिनाइल ईथर या आईपीएसी ने मेथॉक्सी बेंजीन या इस तरह से एनी सॉल भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और देख लो इसका, अब इसके बाद का अगला पार्ट देखो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब अब हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन कराना चाहते हैं। अभी जी ध्यान रखिएगा, इस कैटेगरी में ये वास्तव में बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होने वाली हैं, सीएल का प्रतिस्थापन इस केस में नहीं होने वाला है। इन केसेस में सीएल का प्रतिस्थापन नहीं होगा, क्योंकि सीएल जो प्रतिस्थापित अगर होगा होता तो वो नाभिक से ही प्रतिस्थापन में आता। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, और इसके लिए फिर से हमने आपको वीडियो का जो सेकेंड पार्ट था उसमें हमने आपको दैसिक प्रभाव बताया था, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी कहते हैं या डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस भी कहते हैं या डायरेक्टिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। निर्देशक प्रभाव या दैशिक प्रभाव, या उसी को रेफरेंस में हम यूज़ कर रहे थे एम एम प्रभाव या आर प्रभाव, जिसमें हमने दो टाइप बताया था, प्लस एम और प्लस आर, प्लस एम प्लस आर, या दूसरा होगा माइनस एम या माइनस आर, ठीक है। तो उसी के यूजेस थे कि एक प्लस एम या प्लस आर प्रभाव जो प्रदर्शित करेगा वो आर्थो पैरा दैशिक होगा, और जो माइनस एम या माइनस आर प्रभाव उत्पन्न करेगा वो मेटा दैशिक होगा। अब अगर हम क्लोरोबेंजीन या हेलोएरेंज की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन में अगर आप देखें तो तीन लोन पेयर है। हमने एक हिंट भी दिया था आपसे कि बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास, बेंजीन से ये जो कार्बन है, बेंजीन का कार्बन है, इससे जुड़े परमाणु, ये जुड़ा है, तो बेंजीन का जो कार्बन उससे जुड़ा जो भी परमाणु, चाहे वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो या कोई और हो, तो अगर इस परमाणु के पास लोन पेयर है, अगर इस परमाणु के पास लोन पेयर है तो वो हमेशा प्लस एम या प्लस आर प्रभाव उत्पन्न करेगा। अर्थात ये क्लोरोबेंजीन कौन सा प्रभाव करेगा, प्लस एम कहिए या प्लस आर प्रभाव, और अगर ये प्लस एम या प्लस आर प्रभाव उत्पन्न करेगा तो ये कैसा होगा, आर्थो और पैरा दैशिक होगा, आर्थो और पैरा दैशिक होगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद मिलेगा वो कौन से मिलेंगे बेटा, आर्थो और पैरा दैशिक वाले मिलेंगे, क्लियर। अब देखो कैसे, इसमें मोस्टली तीन कैटेगरी के रिएक्शंस हम देखते हैं, एक तो हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, इसके अलावा हम फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस भी देखते हैं, बट हम तीन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है हैलोजनीकरण, तो क्लोरोबेंजीन का हम करा रहे हैं हैलोजनीकरण, कैसे होगा, हैलोजनीकरण मीन्स हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब हैलोजिनेशन कैसे करा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन प्रतिस्थापन हो रहा है ना, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं का, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब बेंजीन से H प्लस हटेगा और कोई दूसरा प्लस आएगा, तो प्लस हटेगा प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का, इलेक्ट्रॉन्स नहीं द्वारा प्रतिस्थापन। तो क्लोरोबेंजीन ये हमने ले लिया Cl2 गैस, और यहाँ पर हम ले रहे हैं निर्जल AlCl3 या निर्जल FeCl3 या आप आयरन का चूर्ण ले लीजिए, ठीक, चूर्ण ले लीजिए, और ताप कम रखिएगा, ध्यान रखिएगा ताप ज़्यादा नहीं रखना है, ताप ज़्यादा नहीं रखना और ना ही सनलाइट देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो कम ताप पर अभिक्रिया होनी है, निर्जल AlCl3 या निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, Fe चूर्ण लेंगे तो अल्टीमेटली इसी में कन्वर्ट हो जाएगा कि आयरन Cl2 के साथ क्रिया करके यही बना लेगा फिर से। तो ये जो हैं ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये जो है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, और वास्तव में ये लुईस एसिड है ना, और ये है हैलोजन वाहक, क्या है, हैलोजन वाहक, हैलोजन वाहक, तो हैलोजन कैरियर है, ये कौन सा हैलोजन, इसका हैलोजन, तो यहाँ टूटेगा Cl- और Cl+, Cl- को ये लेकर के अलग हो जाएगा, हैलोजन लेके चला गया, और वैसे भी लुईस अम्ल है ना, तो इनके पास एक लोन पेयर की ज़रूरत है, तो Cl- से मिल जाएगा, लेके चला जाएगा, यहाँ क्या होगा Cl+, और वही प्रतिस्थापित होगा किस पर,
चूंकि ये Cl, ये वाला Cl अर्थो पैरादैशिक है, तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, मिक्सचर्स मिलेंगे। तो ये हो गया Cl, ये और ये हो गया Cl, आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक बेटा, नाम बोल रहे हैं हम सीधे, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो वी कैन से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये है हेलोजनेशन, ध्यान रखेंगे हेलोजनेशन है ये, Cl2 के साथ क्रिया करा दी। अगला देखो, सल्फोनीकरण करा रहे हैं, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन कहते हैं इसको, ठीक, सल्फोनेशन। यहाँ हम लेंगे सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम सल्फोनेटिंग एजेंट भी कहते हैं, सल्फोनी कारक अभिकर्मक। तो होगा क्या, ये क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस SO3। तो वहाँ पर वास्तव में ये क्या है, H2SO4 लिखा है, तो हमने दिखाया है। तो अब होगा क्या, यहाँ ये सांद्र है, तो यहाँ भी दो डेराइव्ड कंपाउंड मिलेंगे आपको, एक ये Cl, ये Cl, तो ये हो गया SO3H आर्थो पोजीशन पे और ये हो गया SO3H पैरा पोजीशन पे। तो द नेम इज क्या होगा बेटा, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड दिस वन एंड दिस इज पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। वाई, SO3H ये क्रियात्मक समूह में आता है, जबकि Cl जो है वो प्रतिस्थापी समूह में आता है। तो SO3H इज अ फंक्शनल ग्रुप और Cl क्या है, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में देखेंगे तो SO3H जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इट हैज मोर प्रियर देन सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह ज़्यादा वरीयता वाले होते हैं नाम के लिए और प्रतिस्थापी समूह उसके बाद होते हैं। तो काउंटिंग यहाँ से करोगे आप, तो 1,2, तो काउंटिंग बेटा यहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो या आर्थो क्लोरो कह सकते हो, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 क्लोरो, तो 1,2,3,4, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई होप कि समझ गए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। हाँ, वाटर निकल जाएगा साथ में वाटर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराया हमने और हमें मिल गया आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर्स, ठीक है। हाँ, इतना है कि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ये होता है। तो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है इस केस में, और ये माइनर है, मतलब ये गौण उत्पाद है और ये मुख्य उत्पाद है पैरा क्लोरो वाला। स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा होगी और इसकी मात्रा कम होगी, क्लियर। अगला हिस्सा इसका देखो, अगला नाइट्रीकरण, नाइट्रिशन देखो, नाइट्रिशन। तो अब यहाँ क्या आएगा, नाइट्रीफाइंग एजेंट भी आएगा, नाइट्रीकारक अभिकर्मक है ना, इसको हम नाइट्रीफाइंग एजेंट बोलते हैं। तो नाइट्रीफाइंग एजेंट कौन होगा, ये है सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, ठीक बेटा। यहाँ पर प्रतिस्थापन किसका होगा, NO2 प्लस का, नाइट्रोनियम आयन का, H प्लस हटेगा बेंजीन का, अर्थो और पैरा प्लेस पर NO2 लग जाएगा, ठीक। अब इसकी दो सिचुएशन हम बता देते हैं आपको, ये है क्लोरोबेंजीन, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो ये हमें मिल रहा है, ठीक है। आर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स के हमें मिक्सचर्स मिल रहे हैं, तो दिस इज आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और ये क्या है बेटा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। दोनों प्रतिस्थापी समूह हैं, दोनों प्रतिस्थापी हैं, लेकिन इसमें इसकी वरीयता ज़्यादा और इसकी वरीयता कम। तो ये हो गया आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और ये हो गया 1,2,3,4, तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्लियर। हाँ, ये जो रिएक्शन हुई है ये टेम्परेचर है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डाई सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है, मतलब दो दो समूह जो है नाइट्रो के प्रति स्थापित होने लगते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। जैसे अगर इसी रिएक्शन में हम इस तरह से दिखा देते हैं, अगर इसी रिएक्शन में बेटा अगर हम टेम्परेचर 60 टू 70 के बजाय 100 के करीब या 110 के करीब कर दें तो हमें ये कंपाउंड मिलता है Cl। तो डाई सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब दो NO2 समूह आर्थो और पैरा प्लेस पे सब्स्टिट्यूट हो गए। तो ये 1-chloro-2,4-dinitrobenzene, 1-chloro हाँ काउंटिंग के लिए जो प्लेस का सम है 1-chloro-2,4-dinitrobenzene प्लेस का सम जो है सबसे कम आएगा इस तरह से। तो 1-chloro-2,4-dinitrobenzene ये मिल जाता अगर हमने टेम्परेचर, परिस्थिति वही है टेम्परेचर हमने रेज अप कर दिया तो हमें डाई सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, अदरवाइज मतलब उस तरह से कहें तो ट्राई सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, अदरवाइज ये आर्थो और पैरा का मिक्सर्स कंपाउंड मिल रहा है अगर हमने टेम्परेचर कम रखा हुआ है तो। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। जो तीसरा पार्ट है वो है मिसलिनियस रिएक्शन। तो अन्य अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं सबसे पहले रिडक्शंस, अपचयन करा रहे हैं ना, तो कोई अपचायक, अपचायक मतलब जो हाइड्रोजन दे सकता हो तो वो, उससे अगर हम अभिक्रिया कराएं तो जो Cl है, जो बेंजीन पर लगा हुआ Cl है वो Cl हट जाएगा और वहाँ लग जाएगा H। तो अगर Cl की जगह H लग जाएगा तो C6H5Cl है, H लग गया तो C6H6 क्या हो जाएगा, C6H6। तो अब कैसे करा रहे हैं, देखो ये है C6H5Cl, ये हाइड्रोजन, और इसकी दो कंडीशन हम एक साथ दिखा देते हैं आपको, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर के प्रेजेंस में अगर आप अभिक्रिया कराएं तो यहाँ हो जाएगा C6H6 प्लस HCl। ठीक, या इसके अलावा ले लीजिए आप सोडियम एल्युमिनियम और NaOH, तो ये भी एक अच्छा अपचायक माना जाता है, सोडियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु और उसके साथ ले लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वो भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा और वो भी इसको प्रतिस्थापित कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा C6H6 प्लस HCl। ठीक, इस अपचेन में हम एक रिएक्शन और देख ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर क्लोरोबेंजीन को आप मैग्नीशियम धातु के साथ आइसोप्रोपेनॉल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मतलब हो गया 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल, जैसे ये हो गया ये कंपाउंड CH3H CH3 और ये हो गया बेटा तो प्रोप2ऑल, इसी को नाम क्या दे रहे थे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल 2 डिग्री का अल्कोहल है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो कीटोन बन जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट में होता क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसको कह सकते हो अपचयित कर देगा, तो मिल जाएगा आपको क्या C6H6 प्लस CH3, ये दोनों हाइड्रोजन बेटा, तो CH3 CO का होल टू एस MgCl, एक प्रकार का कार्बन धातु, कार्ब धात्विक यौगिक मिल जाता है, उसी का हैलाइड बन जाता है, इट इज़ नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो नहीं है, लेकिन ये बन जाता है CH3CO और MgCl, तो एक प्रकार का कार्ब धात्विक यौगिक बन गया है फिलहाल, ये मेन हमारा हिस्सा और वो है बेंजीन। तो ये भी एक अपचेन की रिएक्शन है जिसमें हम मैग्नीशियम धातु के साथ अगर हम आइसोप्रोपेनॉल ले लें या आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लें या प्रोप टू ऑल ले लें तो वो इसको अपचयित कर देगा किसमें, बेंजीन में। ठीक, फिलहाल ये ध्यान रखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl की जगह H आ जाएगा, और अगर आप सोडियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु लेंगे तो उसके साथ भी बेंजीन बन जाएगा या Cl हट जाएगा, मतलब Cl हट करके वहाँ H लग जाएगा, तो अपचेन यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और देख लो इसकी, हम रिएक्शन करा रहे हैं फिटिक अभिक्रिया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, शॉर्ट नोट में बहुत आते हैं ये फिटिक रिएक्शंस,
तो थोड़ा सा पीछे फिर चलते हैं। एक रिएक्शन हमने बताई थी आपको एल्किल हैलाइड में, वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स के अंतर्गत आया था, वुड्स रिएक्शन है ना, वुड्स अपक्रिया, जिसमें होता क्या है कि एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क सोडियम, जो शुष्क सोडियम होता है उसके साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क सोडियम होता है और एल्किल हैलाइड की जब रिएक्शन कराते हो आप तो आपको हायर नंबर ऑफ कार्बन्स के एल्केन मिलते हैं, मिलता है ऐसे आर एक्स प्लस सोडियम प्लस एक्स आर शुष्क ईथर, तो ये हो गया 2, तो यहाँ से NaX 2 टाइम्स और ये R और R आपस में कंबाइंड हो गए तो मिल गया, और ये मिल गया हमें क्या 2NX। तो दिस इज द रिएक्शन वुड्स रिएक्शन ना इन द केस ऑफ एल्किल हैलाइड, सेम एज इन द केस ऑफ एरिल हैलाइड, एरोमेटिक केस में वुड्स रिएक्शन जैसा रिएक्शन करता है परफॉर्म, वैसा ही रिएक्शन यहाँ एरिल हैलाइड भी करता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिग, तो फिटिग रिएक्शन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, यहाँ भी वुड्स रिएक्शन था तो ये वुड्स रिएक्शन है और उसी से कोरिलेट करता हुआ फिटिग रिएक्शन है। तो इसमें हम करते क्या हैं, यहाँ हम ले लें C6H5Cl सोडियम धातु, C6H5Cl कंडीशन क्या है, शुष्क ईथर की, किसकी कंडीशन बेटा, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर है ये, ठीक, क्या मिल जाएगा C6H5 टू टाइम्स एंड देर इज 2NaCl, ये क्या है, दिस इज बाईफिनाइल, क्या है बेटा, बाईफिनाइल, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना, दो बेंजीन रिंग आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, दिस इज बाईफिनाइल C6H5 क्लियर। तो ये फिटिक रिएक्शन है। अब एक और देख लो, अब देखो मिला के बता रहे हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक, फिटिक रिएक्शन किसके लिए थी, एरिल हैलाइड के लिए, और वुड्स रिएक्शन किसके लिए थी, एल्किल हैलाइड के लिए, वुड्स फिटिक, नाम मिला दिया गया तो रिएक्टेंट में मिला दो, नाम मिला दिया तो क्या करोगे, रिएक्टेंट मिला दो। अब ये क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एरिल हैलाइड हैं, यहाँ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड हैं, तो एक मॉलिक्यूल इक्विमोलर प्रोपोर्शन ले लीजिए, सम अणुक अनुपात ले लीजिए, किसका, एल्किल हैलाइड का और एरिल हैलाइड का, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा दीजिए। देखिए ये है C6H5Cl सोडियम, और ये ले लिया हमने क्लोरोमेथेन शुष्क ईथर, ठीक बेटा, सेम कंडीशन सेम। अब होगा क्या, NaCl निकल गया, ये CH3 इसके साथ ऐड हो गया, तो यहाँ हो गया C6H5CH3, दिस इज मेथिल बेंजीन, क्या है बेटा, ये मेथिल बेंजीन, तो मतलब आप कह सकते हैं एलिफैटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज मेथिल बेंजीन, और वैसे इसका दूसरा नाम आप जानते हैं, स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, ये बेंजीन लगा है, CH3 हो गया, नाम तो पता ही है, दिस इज सेकेंड पेरेंट कार्बन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन, और उसी के साथ समझात यौगिक में कौन आता है, टाइलुविन, कौन आता है, टाइलुविन, ठीक है, और प्लस NaCl टू टाइम्स, तो ये क्या है बेटा, ये है वुड्स फिटिक, जिसमें एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को लिया गया है, और फिटिक में क्या है, केवल एरिल हैलाइड को लिया गया है, वुड्स में क्या है, केवल एल्किल हैलाइड लिया गया है, सोडियम शुष्क ईथर कॉमन है, यहाँ पर भी ड्राई ईथर है ना, तो यहाँ एल्किल हैलाइड है, यहाँ एरिल हैलाइड है, और यहाँ एल्किल और एरिल हैलाइड का मिक्सचर है, ठीक। अगले कुछ रिएक्शन देखो, अगला रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से क्रिया, उसी अन्य अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही चल रहे हैं, तो उसमें हो गया हमारा अपचयन हो गया, फिटिक रिएक्शन हो गई और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन हो गई, ठीक। अगला है मैग्नीशियम धातु से क्रिया, एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु, एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु और शुष्क ईथर, तो RMgX बनता है, सेम एज यहाँ पर क्या है, हम ले रहे हैं C6H5Cl प्लस मैग्नीशियम, और इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है तो आप बेहतर है कि यहाँ ब्रोमीन डाल दो, ब्रोमोबेंजीन है ना। अब यहाँ ले लो THF, जैसे वहाँ लिया था शुष्क ईथर, ये भी ईथर ही है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो ये एक प्रकार का चक्रीय ईथर है, R O R, अब ये साइक्लिक है, साइक्लिक ईथर में आता है, तो THF क्या बन जाएगा, देखो
C6H5MgBr. दिस इज़ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX या ARMgX. तो ये हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक बेटा, एक और रिएक्शन देखो इसका, लिथियम से रिएक्शन करा रहे हैं. ठीक है, लिथियम से क्रिया. तो ये भी आप जानते हैं प्रबल अपचायक होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है. तो अगर आप एल्किल हैलाइड को लिथियम धातु से क्रिया कराएं, ये C6H5Cl प्लस लिथियम, ठीक है, ईथर डाल दो तो OMC टाइप का ही कंपाउंड बनता, मतलब कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाता है. तो ये मिल गया फेनिल लिथियम प्लस LiCl, तो ये हो गया फेनिल लिथियम. तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक. कार्ब धात्विक यौगिक मतलब वे यौगिक जिसमें कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड होता है, वे यौगिक जिसमें कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक. फ़ायदा ये होता है कि इस पर प्लस आएगा, नेचुरल है, और इस पर क्या हो जाता है, माइनस. ठीक, तो ये है फेनिल लिथियम, फेनिल लिथियम ये कार्ब धात्विक यौगिक है. इसका मिसलेनियस रिएक्शंस का लास्ट रिएक्शन देखो, वो है क्लोरल से रिएक्शन, है ना, क्लोरल से अभिक्रिया. अब ये क्या है, क्लोरल, क्लोरोफॉर्म के चैप्टर में बताया था आपको CCl3CHO ट्राई क्लोरो एस्टेल्डिहाइड या 222 ट्राई क्लोरो एथेनल CCl3CHO. तो CHO वाला कार्बन नंबर एक पर आएगा ना, तो 222 ट्राई क्लोरो एथेनल. क्लियर. अब अगर हम क्लोरल से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलता है, तो क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर आप क्लोरल से रिएक्शन करा दें तो क्या मिल जाएगा आपको, DDT. अभी देखते हैं इसका फुल फॉर्म. DDT सुना होगा आपने, कीटनाशक है ये, इंसेक्टिसाइड होता है. आजकल इसका यूज़ बैन कर दिया गया है, फिलहाल लिमिटेड यूज़ पॉसिबल है अभी भी, बट वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसका, DDT का. तो ये इस रिएक्शन में करता क्या है, मतलब ये रिएक्शन, ये जो कंपाउंड बन रहेगा ये इंसेक्टिसाइड है. अब इसमें जो सांद्र SO4 है वो क्या करता है, तो सांद्र SO4 निर्जली कारक होता है, मतलब ये पानी निकालने में सक्षम होता है. अब देखो स्ट्रक्चर्स, ये CCl3CHO, ये हमने ओपन करके दिखा दिया है, CCl3 एंड C डबल बॉन्ड OH प्लस, ये क्लोरोबेंजीन के दो अणु. अब इसका हम हाइड्रोजन दिखाना चाहते हैं पैरा पोजीशन वाला, तो ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन ये है, और ये है पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन. इन द प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में होगा क्या, ये जो क्लोरल का ऑक्सीजन है ना, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिल करके ये वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, और ये कार्बन इन दोनों फेनिल ग्रुप से अटैच हो जाता है. देखो जरा स्ट्रक्चर, CL 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 CH, ये हो गया क्लोरोबेंजीन वाला पार्ट, और ये भी हो गया क्लोरोबेंजीन वाला पार्ट. ठीक बेटा, तो ये क्या है, अब देखो ये भी इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, ये भी इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, ये भी है, तो क्या हो गया पैरा. अच्छा, ये भी पैरा, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा, तो हम क्या लिख रहे हैं, पैरा पैराडाइश, डाई क्लोरो डाई फिनाइल, दो बार बेंजीन है ना, दो बार बेंजीन वाला स्केल्टन है, तो पैरा पैराडाइश डाई क्लोरो डाई फिनाइल, और क्या है, तीन बार क्लोरीन यहाँ पर है, तो ट्राई क्लोरो एथेन, दो कार्बन है ना, रूट दो कार्बन का जाएगा. अब जरा देखो, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पैरा पैराडाइश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन. तो पैरा पैराडाइश डाई क्लोरो डाई फिनाइल 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो एथेन. अब ये डी और ये टी, तो एब्रीविएटेड फॉर्म क्या आएगा, DDT. क्या आएगा बेटा, DDT. तो ये एक प्रकार का कीटनाशक है ना, इंसेक्टिसाइड होता है. इसका इस्तेमाल पहले होता था, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल के लिए, पर्यावरण के नुकसानदेह है, इसलिए इसके उत्पादन पर, इसके उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स, और इसके बारे में आप नोट्स तैयार कर लीजिए. अगला जो टॉपिक होगा वो DDT का थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देंगे, छोटा सा स्ट्रिप वीडियो बना करके, अब वो अगला पार्ट होगा. तो इसे नोट करिए और ध्यान से पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.